혹시 무력하고 고민이 생겼니? हेलो फूडीज, तो आज हम फिर एक बार आ गए हैं माटुंगा में। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड का वीडियो बनाया था, उड़पी श्री कृष्ण रामानायक थाली, जो आपको सबको बहुत पसंद आया था। आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो होगा ये कॉलेज एरिया का, जो रुइया पोदार और वेलिंकर इंस्टीट्यूट के आसपास का एरिया है। और ये सारे कॉलेजेस के यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड है इन स्टूडेंट्स के लिए, जो ये बहुत इंजॉय करते हैं। और हम भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है जो ये स्टूडेंट्स के लिए इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल भी है, बजट फ्रेंडली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक स्पेशल आइटम हमेशा की तरह थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो आपको कॉमनली हर जगह पर नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम हैं यहाँ पे न्यू पंकज सैंडविच एंड पानीपुरी स्टॉल पे, जो कि माटुंगा स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। और हमारे साथ है यहाँ के ओनर पंकज भाई। सो हेलो पंकज, नमस्कार। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है? पानीपुरी, दही वड़ा, बेलपुरी, सेवपुरी, पापड़ी चाट, रगड़ा पेटीज, हमारे यहाँ कुछ भी खाइए आपको मजा आएगा। अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके यहाँ पे, आप सैंडविच भी इंजॉय कर सकते हो, फैंकी भी है, बहुत सारी आइटम है। तो अभी हम पहले पानी पूरी से स्टार्ट। आइए, वेलकम मैडम। थैंक यू। सब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि उनको काम भी हो जावे और सब आपको जितना मंगा आप ले सकते हो। बराबर। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, एकदम चटपटा है, जैसे कि पानी पूरी होनी चाहिए वैसे ही। जो तीखा वाला पुदीने का पानी बनाया है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बहुत रिफ्रेशिंग है। और जो मीठा पानी है, दिस इज जस्ट परफेक्ट। दही वड़ा सर बनाया जा रहा है, एक पीस वड़ा लिए सर, यहाँ पे मूंग और बूंदी, चाट मसाला, जीरा मसाला और ये लाल मिर्ची पाउडर, ये आ गई पुदीने वाली चटनी और ये मीठा चटनी, और सर ये आ गया दही। ये आ गया दही वड़ा। सो नेक्स्ट हमने ऑर्डर किया है दही वड़ा, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत बढ़िया है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट चाट आई हैव हैड हियर इन माटुंगा फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जहाँ भी मैंने खाई होगी। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वंस। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी है, चटपटी है, दही एकदम चिल्ड है और अच्छी खासी थिक भी है। वड़ा बहुत सॉफ्ट है, जो कि इस डिश की जान होता है। अगर ये थोड़ा सा भी हार्ड हुआ तो ये खाने में अच्छा ही नहीं लगेगा। ऑल द चटनीज ना, जो ब्लेंड इन्होंने किया है, हरी चटनी का, मीठी चटनी का, द ब्लेंड इज अमेजिंग एंड इट रियली टेस्ट ऑसम। साथ में इन्होंने डाली है बूंदी और अनार के दाने, जिसकी वजह से और भी इसका जो टेस्ट है बहुत एनहांस हो गया है। सो दिस इज अ मस्ट ट्राई व्हेनेवर यू कम हियर टू न्यू पंकज। सो मेकिंग तो आपने इसकी देखी, अगर आपको इसकी मेकिंग के वक्त मुंह में पानी आ गया हो, कमेंट करके मुझे बताइए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ये राजस्थानी टिक्की है, प्योर घी में बनती है। ये नमक है, ये चाट मसाला है, एक लाल मिर्ची पाउडर है, ये ग्रीन चटनी है पुदीना की, ये सौंठ है मीठी, ये ऑनियन है, ये टमाटर है, ये कट्स है, दही है, ये राजस्थानी टिक्की बोलते हैं उसको। सब
पंकज भाई ने हमें अपनी एक स्पेशल डिश बनाकर दी है जो कि राजस्थानी टिक्की। इसे इन्होंने खुद बनाया है हमारे लिए, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कि कैसी है। वेरी नाइस, गरम है ये और जो चटनी इन्होंने डाली है जैसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। हल्की सी गरम है, प्याज टमाटर दही सब डाला हुआ है अंदर से, बहुत ही सुपर टेस्ट है इसका। यहाँ पे इनका दही भल्ला पापड़ी चाट भी बहुत फेमस है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं और भी हमें ट्राई करनी है, इसलिए आज हम लोग सिर्फ ये दो चीज़ें यहाँ से ट्राई करके जा रहे हैं। मैं ये फिनिश करती हूँ और इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट प्लेस पे। सो न्यू पंकज में हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें ट्राई की वाकई में काफ़ी फ्रेश है। चाट तो बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है, हर गली में मिलती है, बट यहाँ पे जो इन्होंने चीज़ें यूज़ की है बहुत फ्रेश है हर चीज़, और हर चीज़ का टेस्ट अच्छा है इंक्लूडिंग द चटनीज। काफ़ी क्लीन और हाइजीनिक रखा है इन्होंने अपना वर्क प्लेस, आप देख सकते हो हर चीज़ यहाँ पे एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज की हुई है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। तो जब भी अगर आप माटुंगा सेंट्रल रेलवे की तरफ आ रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस विदाउट स्किपिंग इट। तो नेक्स्ट प्लेस जो हम आए हैं वो है मामा जी फ्रैंकी एंड सैंडविच, जो कि बिल्कुल डीपी रेस्टोरेंट के पास में है और यहाँ पे काफ़ी सारा कॉलेज क्राउड आता है, बहुत पॉपुलर है ये अपने फ्रैंकी और सैंडविचेस के लिए। तो आप देख सकते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं सिर्फ इनके फ्रैंकीज़ खाने के लिए। मैंने ऑर्डर किया है वेज चीज़ पनीर फ्रैंकी जिसकी प्राइस है ₹60, देखते हैं स्वाद कैसा है। एक मैक्सिमम तो नहीं है और एक चीज गाली बैठ खाने का, दोनों और नांटी ले लेते। फर्स्ट बाइट पे बहुत अच्छा सा टेस्ट आया, इट्स अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। शेजवान चटनी का यूज़ किया है इन्होंने, पटेटो का मसाला है, पनीर डाला हुआ है इसमें, कैबेज यूज़ किया गया है और फ्रैंकी का जो ये ब्रेड है इसको काफ़ी अच्छे से सेका गया है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसका। आज के वीडियो का जो लास्ट स्पॉट है वो है सुभाष सैंडविच वाला, जो हमारे आज के वीडियो का हाईलाइट है। जी हाँ, ये वही स्पेशल और यूनिक आइटम है जिसके बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो चलिए आपको पहले इस स्पेशल आइटम की मेकिंग दिखा देते हैं। सो इसमें इन्होंने चॉकलेट ग्रेट किया है और उसी को कट करके लंबे लंबे फ्लेक्स भी डाले हैं, साथ ही टॉपिंग की है चॉकलेट सॉस से, और अब इस सैंडविच को ये टोस्ट कर रहे हैं। सो हम आ गए हैं सुभाष स्पेशल सैंडविच, जो एग्जैक्टली रुइया कॉलेज के ऑपोजिट है इनका स्टॉल, और 12 ईयर से ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस बना रहे हैं। हमने लिया है चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच और इनके पास बहुत वैरायटी है, समोसा सैंडविच एंड लेज सैंडविच एंड व्हाट नॉट, और चॉकलेट सैंडविचेस में भी इनके पास एक ह्यूज वैरायटी है जिसमें है नटेला सैंडविच एंड चोको चिप्स एंड डेड बाय चॉकलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स ट्राई दिस चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच और देखते हैं कि कैसा लग रहा है।
एक्चुअली मैंने आज तक कभी भी चॉकलेट सैंडविच ट्राई नहीं किया, सुना तो बहुत है बट मुझे वो आइडिया समझ में नहीं आता था कि चॉकलेट और टोस्ट सैंडविच, आई मीन चॉकलेट को कैसे टोस्ट कर सकते हैं। तो आज चॉकलेट टोस्ट सैंडविच तो है ही बट साथ में आइसक्रीम भी है, तो देखते हैं कैसा है ये कॉम्बिनेशन। तो ये सैंडविच गर्म लग रहा है क्योंकि इसे टोस्ट किया गया है। वाओ, तो टेम्प्ट हो रहा है लेकिन साथ ही ये भी लग रहा है कि कहीं मैसी नहीं हो जाए। चॉकलेट सैंडविच टेस्ट गुड। सो फर्स्ट टाइम टेस्ट किया मैंने चॉकलेट सैंडविच और अच्छा लगा मुझे। वॉर्म है बट स्टिल वो चॉकलेट जो मेल्ट हो गया है, इट टेस्ट डिवाइन। एंड आइसक्रीम के साथ में देखती हूँ कि कैसा लगता है। जो रियली समझ में नहीं आ रहा है सो कैसे खाऊं, बिकॉज ये लगता है कि बहुत मेसी होने वाला है। बट मैसी है ये तो, पूरा तो कैमरा पे पॉसिबल नहीं है बट बिलीव मी अच्छा लग रहा है। चिल्ड आइसक्रीम विथ वार्म चॉकलेट टोस्ट रियली टेस्ट गुड। इसमें इन्होंने डाली है वेनिला आइसक्रीम। तो इनके पास और भी चॉकलेट सैंडविचेस अवेलेबल हैं जिसमें ये चॉकलेट आइसक्रीम भी डालते हैं, जेम्स भी डालते हैं, विच इज़ कॉल्ड सुभाष स्पेशल चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच। तो इनका मेन्यू आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डिफरेंट है। और ये प्लेस है एग्जैक्टली माटुंगा चिमखाना का जो ग्राउंड है उसके बाहर, और इस तरफ है रुइया कॉलेज का मेन गेट। सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसको पैक करा के अपने साथ लेके भी नहीं जा सकते बाकी चीज़ों की तरह। तो इसे मैं फिनिश करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। बहुत मैसी है। और अब बारी है टॉप 3 कमेंट्स की फ्रॉम माय लास्ट वीडियो जवेरी बाजार खाओ गली। और बेस्ट कमेंट मुझे लगा है चिंतन परमार का, जिन्होंने कहा है कि पुडला तो घर पे बनाते हैं बट चीज पुडला का आइडिया उनको इस वीडियो से मिला और इसीलिए मैं रेसिपीज शेयर करती हूँ ताकि आप ये छोटे छोटे वेरिएशन घर पे ही ट्राई करके एंजॉय कर सके। नेक्स्ट कमेंट है विनोद सोलंकी जी का, मैं जगन्नाथ चतुर्भुज हलवाई जरूर ट्राई करूंगी और उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट अरविंद दवे जी, बेसन का पुडला वाकई में हेल्दी एंड टेस्टी है और झटपट बन जाती है और आप भी ये वेरिएशंस घर पे ही ट्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। सो माटुंगा स्ट्रीट फूड के पार्ट 1 को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और पार्ट 2 के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा सेकेंड वीडियो बिल्कुल मिस ना करो। उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिशेस दिखाएंगे माटुंगा स्टेशन के आसपास के एरियाज की। सो सी यू सून इन माय माटुंगा पार्ट 2 वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।